Hey guys, good morning and welcome to another vlog. This is Shefali and I'm in Srinagar. और अभी तो snowfall हो रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं. सब कुछ white हो गया है. तो अभी मैंने सोचा कि आपको मैं इस हाउस बोट का टूर दे दूँ. तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं. तो यहाँ से है इस हाउस बोट की एंट्रेंस. हम आते हैं यहाँ से और ये है शिकारा. शिकारा में भी पूरा अभी स्नोफॉल हो चुका है. तो जब भी हम घाट से आते हैं तो हम इसमें आते हैं, शिकारा में, और इस तरफ से हमारी एंट्रेंस. यहाँ से हम आते हैं, इधर पे उतरते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ. फिर यहाँ से हमारी एंट्रेंस है. सबसे पहले ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठ करके पूरा व्यू देखो. फिर हम लोग अपने शूज़ यहीं पे खोल देते हैं और अंदर फिर हम शूज़ लेके नहीं जाते हैं. यहाँ से इसकी एंट्रेंस, स्लाइडिंग डोर. ये हैं अंकल, इस हाउस बोट के ओनर. ऊपर वाला है मुन्ना. और ये है यहाँ पे हमारा सिटिंग एरिया. यहीं पे बैठ के हम हमेशा लंच ब्रेकफास्ट करते हैं, सॉरी नॉट लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं. और ये है बुखारी. तो ये हमें बहुत गर्म रखती है. इसके अंदर लकड़ी जलाते हैं, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चले जाती है इस पाइप के थ्रू. और ये छोटा सा जो होल है ये ऑक्सीजन के लिए है. तो अंकल, आपकी बोट कितने साल पुरानी है? It is nearly about 70. 70 years. 70 years. अच्छा, और आप कब से हो इस बोट में? मैं तो तब 12 साल का था जब मैं इसमें था. अच्छा, तो उससे पहले आपके फादर देखते होंगे? ग्रेट फादर. Then it was belong to my father. अच्छा. Now it is belong to me. और इनको बहुत अच्छे अच्छे एक्सीलेंस सर्विस के सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं यहाँ पे. और इस हाउस बोट का नाम है जमैका, आप देख सकते हैं, हाउस बोट जमैका. तो इन्होंने इसके पीछे की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई है हमें. और ये बहुत यूनिक आपको एंटीक चीज़ें दिखेंगी इस हाउस बोट में, क्योंकि ये बहुत पुरानी हाउस बोट है. तो उसी ज़माने के फर्नीचर भी हैं. ये फर्नीचर कितने पुराने हैं अंकल? तो इन हाउस बोट के नाम रखने के पीछे की कहानी ये है कि पहले के ज़माने में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे. तो जो भी फॉरनर्स इनके स्टे हाउस बोट में स्टे करते थे तो ये लोग उनसे ही अपना फॉर्म फिल करवाते थे. तो जब उसमें आता था कि आप अपने हाउस बोट को जब रजिस्टर करोगे तो उसका नाम क्या रखोगे, और ये नाम परमानेंट है, ये लोग चेंज नहीं करवा सकते हैं. तो सिंस दैट टाइम वो नाम सेम चला आ रहा है. तो तब उनके गेस्ट में कोई लंदन से आता था, कोई न्यूजीलैंड से, तो इस तरीके से उन्होंने उसका नाम अपनी कंट्री के हिसाब से रख दिया. तो इसलिए आप इस पूरे डल लेक में जो बहुत सारी बोट्स देखोगे जिनका नाम है न्यू लंदन, लंदन, न्यूजीलैंड, जमैका, तो इस तरीके से इन हाउस बोट का नाम पड़ा है. तो ये हाउस बोट का कॉन्सेप्ट तब से स्टार्ट हुआ है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहते थे, क्योंकि उन लोगों को लैंड लेना या फिर वहाँ पे घर बनाना अलाउड नहीं था. तो उन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट निकाला कि लेक पे वो कुछ ऐसा बिल्ड करें हाउस बोट टाइप का और उसमें रहें, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आते थे तो 6 months 1 year तक रहते थे. और उन्होंने ये हाउस बोट डिज़ाइन भी करी है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे से ही शुरू हुआ ये सब कुछ. तो ये कार्विंग वगैरह सब उन्होंने ही स्टार्ट कर रही है. और पहले की जो बोट्स होती थी वो बहुत सिंपल होती थी, अंकल बता रहे थे. तो जितना भी डेकोरेशन का सामान होता था वो सब लोग अपने आप खुद से इंग्लैंड से लेकर आते थे. और ये सब कार्विंग वगैरह भी नहीं होती थी. तो ये सब कुछ अभी नया है. और ये कितने टाइम से अंकल अब ये कार्विंग वगैरह स्टार्ट हुई है? ये पहले से कार्विंग था मगर तब लोग अफोर्ड नहीं करते थे. अच्छा, आप कर, ये तो पहले से था, ये सब तो पहले से. ये सीलिंग, सीलिंग वगैरह का होता है. ये तो फैमिली जॉब है. अच्छा, जो ये सीलिंग है इट इज लाइक अ पजल गेम. ओके, इट इज स्मॉल पीस, बिग पीस, स्मॉल पीस, बिग पीस. यस, इट इज लाइक पजल. यस, इस तरीके से ये हाउस बोट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ. और आज की डेट में शायद ही ऐसा कोई टूरिस्ट होगा जो कश्मीर में आए और डल लेक में ना रहे. और
और केरला की जो हाउस बोट है और कश्मीर की जो हाउस बोट है उसमें यही डिफरेंस है कि जो केरला की हाउस बोट होती है वो मूविंग होती है, मतलब वो वाटर में चलती है, लेकिन जो ये डल लेक में जो हाउस बोट है इसको अगर आपको कहीं घुमाना हो तो आपको स्पेशल परमिट लेना पड़ता है, अदरवाइज ये एक जगह पे ही खड़ी रहती है। तो आप शिकारा में बैठ करके आते हो इसमें और फिर आप अपने हाउस बोट तक पहुँचते हो। और अंकल परमिट लेना इसका ईजी है कि टफ है? मिल जाता है ईजिली अगर किसी को लेक पे राउंड करना हाउस बोट पे ही? अगर हाउस बोट, ये हाउस बोट नहीं मुझ से कर सकता है, नहीं कर सकता इवन परमिट के बाद भी, इवन परमिशन, इवन ओनली इफ यू हैव टू गो स्टे समवेयर फॉर फ्यू मंथ्स, टू मंथ्स, अच्छा देन ओनली यू कैन, दे कैन गिव यू परमिशन। अच्छा ओके, तो अगर आपको मूव यू कांट, अच्छा अगर आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ मूव करके ऐसे घूम के वापस आना है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपनी पूरी हाउस बोट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है 6 मंथ्स 1 ईयर के लिए, तो उसके लिए आप स्पेशल परमिट बनवाओगे। तो ऐसा है पूरा हाउस बोट का कॉन्सेप्ट। और अभी स्नोफॉल हो रहा है बाहर, तो पता नहीं हमारी शिकारा राइड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे बेडरूम की तरफ। तो यहाँ से है रूम की एंट्री और हमने अपना लगेज वगैरह थोड़ा फैला दिया है। तो सबसे पहले है ये टेबल अपना सामान वगैरह रखने के लिए। और इस रूम की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे से गर्म रहता है और ये बहुत अच्छा बेड है ताकि इसमें 3 लोग आराम से इस रूम में फिट हो जाएं। तो अभी तो हम सिर्फ यही वाला यूज़ करते हैं और ठंडा बहुत है इसलिए इन्होंने पूरी लेयरिंग कर रखी है, 1 2 3, और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं ब्लैंकेट बिछा हुआ है। और ये रात को हमें हॉट वाटर की जो बॉटल होती है वो दे देते हैं ताकि हमारे पैर गर्म रहें, और पैर गर्म रहेंगे तो हमें नींद अच्छी आएगी। तो बहुत ही काइंड लोग हैं ये लोग, बहुत अच्छा सोचते हैं अपने गेस्ट के बारे में। मैं सबको रिकमेंड करूँगी, फर्स्ट नाइट हो चुकी है हमारी इस हाउस बोट में और बहुत मज़ा आ रहा है, एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है जो एक्सपीरियंस मैंने ना केरला में, केरला को मैं कंपेयर नहीं कर सकती यहाँ से क्योंकि मैंने अभी तक उस हाउस बोट में स्टे नहीं किया है। तो आई होप कि मैं वो एक्सपीरियंस भी करूँ सून। और वियतनाम में मैंने किया था, उस टाइम हम गर्मियों में गए थे तो, और ये है पूरी ठंडी, तो उसको भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है, आप 3 लोग हो, फ्रेंड्स हो या फैमिली आपकी बड़ी है, तो उसके लिए एक और बेड भी दे रखा है। फिर ये छोटी सी साइड टेबल है विद लैंप और नीचे भी सामान रखने के लिए है। और इधर विंडो है, अभी हम लोग कुछ कर्टन्स वगैरह खोल वोल नहीं रहे हैं क्योंकि ये गर्म है और ये भी गर्म है, तो कुछ टच टुच ना हो जाए, फायर लगने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे है लगेज रैक, हमने अपना लगेज पहले से ही रख दिया है। यहाँ पे एक और लगेज रैक जिसमें हमारा एक और लगेज है। फिर थोड़ा मेस के लिए सॉरी, इसके अंदर हैंगर दे रखा है, हमने अपने कपड़े रख रखे हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे है। फिर यहाँ पे भी बहुत स्पेस है, आप रख सकते हो। और ऊपर एक और ब्लैंकेट है अगर आपको ठंडा ज़्यादा लगे तो, उसके लिए भी इन्होंने एक्स्ट्रा रख रखा है ये शैंडिलियर। फिर यहाँ पे है वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, तो बहुत स्पेशियस भी है ये। इस साइड भी मिरर लगा हुआ है, ये है वॉश बेसिन और इंग्लिश स्टाइल WC। फिर यहाँ पे बाथटब भी है, तो ऐसा है यहाँ का पूरा सिस्टम। और ये बड़ा सा मिरर। तो इस हाउस बोट में टोटल 2 बेडरूम है। अगर आप लोग बड़ी फैमिली हो या फिर अपने मम्मी पापा के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो परफेक्ट स्पेस मिलेगी आपको अपने लिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, और इस बोट का नाम और नंबर, ओनर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि अगर आप फ्यूचर में आना चाहें तो आप बुक कर सकते हैं इसको। तो अगर आप लोग भी अपने वेकेशन में ज़्यादा ऑयली या मसालेदार खानों से डरते हैं तो ये हाउस बोट आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हमें जितना भी ब्रेकफास्ट और डिनर सर्व हुआ वो अंकल की वाइफ खुद घर पे ही बनाती थी और हमें फ्रेश घर का खाना ही मिलता था। तो इस वजह से भी मैं ये हाउस बोट सबको रिकमेंड करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।